ज्वाला जी में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अब तक ये अज्ञात चोर 20 दिन के अंदर ज्वाला जी शहर में 3 घरों के ताले तोड़कर यहां रखी नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर चुके हैं। चोरी का ताजा मामला ज्वाला जी के वार्ड नंबर 3 का है, जहां चोरों ने एक नेकी के घर को अपना निशाना बनाया है। इसके साथ मामले की सूचना पुलिस को दी गयी। इधर थाना प्रभारी मनोहर चौधरी सहित ASI बलदेव व अन्य पुलिसकर्मी चोरी की वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे व उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। ज्वाला जी में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अब तक ये अज्ञात चोर 20 दिन के अंदर ज्वाला जी शहर में 3 घरों के ताले तोड़कर यहां रखी नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर चुके हैं। चोरों की ताजा मामले ज्वाला जी के वार्ड नंबर 3 का है, जहां चोरों ने एक नेगी के घर को अपना निशाना बनाया है। जानकारी के अनुसार यहां अज्ञात चोर घर को ताला तोड़कर अंदर रखे ट्रंक में से 15,000 रुपए नगद, इसके अलावा एक चांदी की पायल व सोने की टॉप्स की जोड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। इस मामले को लेकर घर के मालिक दलीप सिंह नेगी निवासी हरिद्वार ने बताया कि वे 1990 से ज्वालामुखी में किराए पर परिवार सहित रह रहे हैं और शादियों में काम करते हैं। उनका कहना है कि जब वे और उसकी पत्नी घर में ताला लगाकर अपने अपने काम पर निकल गए, तो इस बीच जब उसकी पत्नी दोपहर 1 बजे के बाद घर आई, तो उसने देखा कि घर के ताले टूटे पड़े हैं और अंदर रखा सारा सामान इधर उधर फेंका गया है। उनका कहना है कि इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी मनोहर चौधरी सहित ASI बलदेव अन्य पुलिसकर्मी चोरी की वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और साथ ही पुलिस ने पीड़ित परिवार व आसपास के लोगों के इस मसले को लेकर बयान दर्ज किए। DSP तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। अब तक ज्वाला जी में चोर 3 घरों के ताले तोड़ चुके हैं। इसके अलावा ज्वाला जी बस स्टैंड की बेसमेंट में से एक बाइक चोरी कर चुके हैं। इन मामलों में पुलिस ने चोरी हुई बाइक का मामला 12 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया था, लेकिन चोरी की वारदात के मामले में शामिल चोरों को पकड़ने में ज्वाला जी पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई। लिहाजा ज्वालामुखी में अब तीसरी चोरी की वारदात 20 दिन के अंदर वार्ड नंबर 3 में फिर सामने आई। इसमें पहले चोरी ज्वाला जी वार्ड नंबर 2 में 14 अक्टूबर को हुई थी, जहाँ चोरों ने गरीश के घर से 70,000 के गहने व 20,000 नगद चुराए थे। इसके बाद 19 को ज्वाला जी बस स्टैंड से बाइक चोरी हुई थी, जिसे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला था। इसी बीच 22 अक्टूबर को ज्वाला जी वार्ड नंबर 2 के एक घर में चोरों ने 35,000 रुपए नगद व 70,000 रुपए के गहने चुराए थे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।